And looks like Jonathan with a 1v3 spray. यहाँ पर एक 1v4 का potential भी Jonathan लेके आ रहे हैं. ये player किसी भी moment पे गवाना नहीं चाहेंगे इस fight को. Baby it's 3 AM, had you on my mind and it's not first time we've gone through this. WOB, well, जिस confidence के साथ वो आगे बढ़ रहे थे, शायद वो confidence चूर-चूर किया जाए, because यहाँ पर Z-God and उनके साथ साथ आपको Naomi आगे जाते हुए नजर आएंगे. Who is Naomi Gamzo? अभी तो पता नहीं सबको, जो भी नए नाम आ ऐसे सब मिस्ट्री बने हुए, लेकिन फिलहाल के लिए फाइट पे फोकस यहाँ पर रहेगी. Z-God कोशिश यहाँ पर एक अच्छा ही फायर का वहाँ पर मुजाहरा, लेकिन रूआफ के द्वारा कोई भी यहाँ पर कवर फायर नहीं कर पा रहे. Z-God कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये एक क्लच आ जाएगा तो बेस्ट रहेगा. Z-God कुछ भी करके वो सैक के आगे फाइट नहीं लेना चाहते, उन्हें पता है आगे जाएंगे तो नॉकआउट कर दिया जाएगा. बट उसके बावजूद भी यहाँ पर आगे टीम बढ़ी जाती है और बहुत लेट कर दिया है मेरे ख्याल से यहाँ पर कैप्टन. पहले अगर आ जाते शायद अपने टीम के साथ तो गौरल को एक अच्छा चालक अच्छा खासा वहाँ पर चैलेंज मिल जाता. बिल्कुल, बट इसी के साथ साथ देखिए अक्षु वो भी गॉडलाइक के ऊपर यहाँ के लिए तो काफी ज्यादा यूटिलिटीज डंप कर काफी सारे थ्रोएबल्स डाल रहे हैं, लेकिन क्या उससे कुछ फायदा होगा? बिकॉज Z-God जिस पोजीशन पे है वहाँ पर नॉकआउट होना क्रूशियल रहेगा. Z-God काफी बैक ऑफ कर चुके हैं एंड उनके साथ साथ आप देखिए टीम नंबर 18 से इन्वेडर FTW ई-स्पोर्ट्स वाला की टीम से वो सोलो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं. वो चाहते हैं कि आगे जाए. Z-God के ऊपर नॉकआउट निकाला गया है, नियो के ऊपर एक रिस्पांसिबिलिटी आएगी. Jonathan भी है मौजूद, बट Jonathan भी यहां पर डाउन हो चुके हैं. नियो कोशिश करेंगे कि रिवाइवल दे पाए, बट Z-God को फ्लश आउट किया गया. लुक्स लाइक ये जोन बहुत बहुत एक क्रूशियल रहेगा. ई-स्पोर्ट्स वाला भी इसी बीच में एलिमिनेट हो जाते हैं. जीरो फिनिशेस के साथ साथ 7 टीम्स बची हुई एंड Kinetic Gaming भी यहाँ पर वाइप आउट हो चुकी है. बिल्कुल, Jonathan को बाहर से वो कैरी करके लिखा लेकर आए, क्योंकि देखिए अगर बाहर रिवाइवल करते तो कौन सा नंबर चले, पांचवा सर्कल चल रहा है, वहां पर रिवाइवल देना काफी मुश्किल. और अब छठा सर्कल का गास, लेकिन ये भी ओजोन भी गॉड लाइक को फेवर करता नजर आएगा. 8 फिनिश ऑलरेडी निकाल चुके, लेकिन ये टॉप के खिलाड़ी को पता है, मुझे लग रहा है पता तो जरूर है, लेकिन अक्षु अगर उस वक्त आगे चले जाते, शायद नहीं पता, अगर पता होता तो शायद आगे चले जाते और वो नॉकआउट निकाल जरूर सकते थे. कंफर्मेशन एक ही स्प्रे में दोनों का वहां पर मिल सकता था, बट अभी के लिए जो मैं देख पा रहा हूँ नियो क्या आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं. ओ नहीं नहीं नहीं, नियो नहीं, उनके साथ जो Jonathan थे वो दूसरी दिशा की तरफ जाते नजर, क्योंकि उन्हें पता है एक जगह पर रहना दोनों के खतरे से खाली नहीं है. और Enigma Gaming टॉप 7 में आ चुके हैं यहाँ पर, बट बाकी टीम्स कहाँ पर है यहाँ पर कैप्टन? मेरे ख्याल दूसरी दिशाओं की तरफ है सर्कल के बाद, साउथ वेस्टर्न साइड में है गेम्स मोस्ट ऑफ द टीम्स का जो क्लस्टर रहेगा. बट देखिए यहाँ पर Jonathan वो जा रहे हैं Enigma Gaming के अगेंस्ट में. वेल 4 प्लेयर्स है Jonathan के लिए, बहुत मुश्किल रहेगा एंड रिवेंज के प्लेयर्स फिलहाल के लिए तो परेशान कर सकते हैं Enigma Gaming को. TWOB अक्षु वो दूर से यहाँ पर प्लेयर 5 को स्पॉट करते हैं एंड शायद से कॉन्फर्मेशन भी मिलेगा. जी हाँ, बट रिवेंज ई-स्पोर्ट्स गेम्स अगेन टॉप 7 में आ चुके हैं. सोमराज कूद कूद के कवर में आ चुके हैं एंड लुक्स लाइक Jonathan विद अ 1v3 स्प्रे. यहां पर एक 1v4 का पोटेंशियल भी Jonathan लेके आ रहे हैं. ये प्लेयर किसी भी मोमेंट पे गवाना नहीं चाहेंगे इस फाइट को, इस क्लच को. जिस एंगल से, जिस पोजीशन से आगे आते हैं, ग्रेनेड से समाप्ति. गॉड लाइक Jonathan विद अ 1v4. व्हाट वाज दैट? अकेले गए, अकेले जाके यहां पर Enigma Gaming को वाइप आउट किया गया. रैम्पेज मोड. व्हाट द हेल वाज दैट Jonathan? हां बिल्कुल, अगेन वो रैम्पेज मोड पे आते नजर आएंगे. लेकिन चलिए Enigma के साथ खत्म हुई फाइट, बट सामने है GS का यहाँ पर चैलेंज, उनको भी करते हुए नजर 11 फिनिश एक बार आते हैं. एंड हमने एक इच्छा जाहिर करी थी कि क्या कैप्टन हमें ऐसा कोई खिलाड़ी देखने को मिलता नजर आएगा जो 10 फिनिश निकाले. एंड हियर वी गो, 12 फिनिश अकेले निकाल चुके हैं यहाँ पर. लेकिन ये सब पॉसिबल हो पाया नियो के कारण भी, क्योंकि नियो ने कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर बचाने की कोशिश करी यहाँ पर. बट अभी के लिए नियो के लिए वहां पर पड़ चुके थे. अभी वर्सेस Jonathan एक और खिलाड़ी, बट वो सर्कल के बाहर मुझे नजर आ रहा है. बट Jonathan को एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल चुका है, क्या एक और ग्रिड से नॉकआउट करते हुए नजर आएंगे. मेरे ख्याल से अभी को भी खत्म कर दिया जाएगा. अभी के दिमाग में चल रहा था नियो का कंफर्मेशन देखने में, 17 फिनिशेस एंड कैप्टन सब कुछ रिकवरी एक ही गेम में हमें देखने को मिलती नजर आएगी. टॉप की भी जरूर मैं तारीफ करूंगा, क्योंकि काफी स्ट्रगल चल रहा था, लेकिन फाइनली हैशटैग 2. लेकिन सोमराज क्या यहां पर बीट कर सकते हैं 1v2? और मुझे लग नहीं रहा है अंदाजा है कि नहीं, जहाँ तो जरूर है, लेकिन क्या लगता है उनको स्पॉट करा हुआ है? I guess कर लिया है. अभी देख लिया, अभी सोमराज को देख लिया. यहाँ पर लिटरली सोमराज के पास मौका रहेगा, बट सोमराज एक सिंगल एचपी से बच जाते हैं. एंड लुक्स लाइक नियो के ऊपर भी एक रिस्पांसिबिलिटी आएगी. बट अगर ये क्लच होता है सोमराज का, दिस विल बी द बिगेस्ट प्ले दैट ही हैज एवर मेड. हील अप करते हैं, हील अप करने के बाद धीरे धीरे उनको पहाड़ी चढ़ना पड़ेगा और ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर सकते. रिवाइवल दिया जा रहा है, अगर ये ग्रेनेड सही जगह पे गिरता है सोमराज ये प्ले करके दिखा सकते हैं नियो. रिवाइवल छोड़ चुके हैं, सोमराज के ऊपर कनेक्ट
क्वेश्चन बढ़िया सा, एक गेम पे स्विच करेंगे, बट एचपी कहां है? नियो के पास एचपी ही नहीं है। गॉड लाइक विद 17 फिनिशेस राइट नाउ फिर से जा रहे हैं जोनाथन को रिवाइवल देने की कोशिश, रिस्क वो नहीं लेना चाहते हैं। यहां पर जवाब देने की कोशिश रहेगी, बट देखिए गॉड लाइक को जोन का एडवांटेज है, सोमराज भी जोन के अंदर स्नीक इन कर चुके हैं, जो फाइट लगा था कि गॉड लाइक कंप्लीटली हार जाएंगी उसी फाइट के ऊपर कैपिटलाइज कर रहे हैं। सोमनाथ मुंह के अंदर बैठे हुए हैं, अच्छा खासा कनेक्शन, एंड आई थिंक दिस इज गोना बी इट। आई फाइनली दिखता है पिक्सेल एंड नियो यहां पर खात्मा करेंगे 33 बॉम्बर गेम गॉड लाइक ईस्पोर्ट्स के द्वारा। व्हाट अ वे टू कम बैक, डे टू डे ऑफ कमबैक्स इसीलिए कहा जाता है, गेम जो चौथे चार्ट पे चल रही थी ये टीम।